गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग ग्रेच्युटी एक्ट जो है 1972 आईपीसीसी, उसका रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ क्विक रिवीजन। यहाँ पे मैंने क्या कोशिश की है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने हाथ में मुनीस भंडारी की नोट्स रखिए, और जैसे ही एक स्लाइड, एक 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के वीडियो जब ख़त्म होते हैं, उसके बाद जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो आप वो बुक में से पढ़ लीजिए। अगर कुछ डाउट होता है देन यू कैन ऑलवेज आस्क ए क्वेरी एंड वी कैन मीट फॉर दैट। सो टुडे हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, स्टार्टिंग विद द बेसिक, सेक्शन वन से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन वन क्या बोलता है ग्रेच्युटी एक्ट का, कि ये एक्ट किसे एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज इन मेनी एरियाज, लेकिन जिस पे डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है वो है फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्लांटेशन, पॉट एंड रेलवे कंपनीज, इनको एप्लीकेबल। सर इसके सिवाय कोई और चीज़ को एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, सभी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स को भी एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट विच आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, जहाँ पे मोर देन 10 एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑन एनी डे। एनी डे यानी कोई भी एक दिन इन प्रीवियस 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 मंथ्स के अंदर अगर आपके वहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो फिर आप इस पर्टिकुलर एक्ट में आ जाओगे। तो बेसिक हमने क्या देखा, ये एक्ट किसको एप्लीकेबल होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इट विल बी एप्लीकेबल टू फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पॉट, रेलवे कंपनी, साथ में ही बाकी सब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पिछले साल में आपके वहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर थे। अगर 10 से ज़्यादा वर्कर है तो ये एक्ट अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी। और कई बार गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन इश्यू करेगी और नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट को भी वो लोग ला सकते हैं। सर नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट यानी क्या? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई हम एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जो इसमें एक्ट में नहीं है लेकिन ये बेनिफिट हम देना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को। सुनिए, ये जो पूरा एक्ट है उसका बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को जाने वाला है। ग्रेच्युटी का मतलब क्या, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा ही होगा कि जब आप 20 साल 25 साल एक कंपनी में काम करते हो, प्रोविज़न तो 5 साल से ज़्यादा का है, लेकिन अगर इतने साल अगर आप काम करते हो तो जब आप रिटायर होते हो, जब आपने पूरी लाइफ टाइम या मेजोरिटी टाइप ऑफ योर लाइफ यू हैव इन्वेस्टेड इन ए कंपनी, अब जब रिटायर हो जाते हैं एज वाइज, तो होता क्या है कि आपके खर्चे बंद नहीं होते लेकिन इनकम बंद हो जाती है। इसीलिए आपको एक एडहॉक अमाउंट कैलकुलेट करके देते हैं अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो इट इज़ फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। तो कई बार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से काफ़ी सारी कंपनियां जो इसमें नहीं हैं उनको भी वो लोग ला सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये एक्ट में अगर आप एप्लीकेबल आ गए, एक बार आ गए, तो वंस एप्लीकेबल इट इज़ फॉर एवर एप्लीकेबल। यानी एक बार आप इस पर्टिकुलर एक्ट में आ गए तो हमेशा के लिए आ गए। उसका मतलब ये है कि अगर आपने 2001 में बिज़नेस स्टार्ट किया और आपके वहाँ तब 5 लोग थे, 2002 में आपका ग्रोथ हुआ, आपके वहाँ 12 लोग हो गए, इसीलिए आप ग्रेच्युटी एक्ट में आ गए। उसके बाद आपका ग्रोथ बढ़ता गया, आपके वहाँ 50 लोग हो गए, फिर 2025 में वापस डाउनफॉल आया और अभी आपके वहाँ मान लो कि सिर्फ 6 लोग हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अब मैं ये एक्ट में से बाहर चला गया। एक बार आप एक्ट में आ गए तो लाइफ टाइम आ गए, यानी जब भी लोग रिटायर होंगे तो आपको ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। तो उसका मतलब क्या है, वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल। क्वेश्चन इज दैट कि सर हमें कब मिलती है ग्रेच्युटी? तो राइट टू रिसीव ग्रेच्युटी कब है?
तो आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा राइट टू रिसीव ग्रेच्युटी, आपको तब मिलेगी अगर सबसे पहले आप कौन होने चाहिए, एम्प्लॉई। सर वो क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि एम्प्लॉय क्या होता है। दूसरा, आप इस एक्ट में कवर होने चाहिए, यू शुड बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। सर उसका मतलब क्या है, अगर आप इस एक्ट में ही नहीं हो, आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर्स जॉब करनी है सर। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो उसके सर्टेन एक्सेप्शंस है। सर्टेन एक्सेप्शंस यानी से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन काम कर रहा था 4 साल, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो 5 साल कैसे ख़त्म करेगा, या उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो कैसे ख़त्म करेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुए तो भी आपको मिल जाएंगे ग्रेजुटी के अमाउंट। बट जनरली अगर आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं होते तो फिर आपको मिनिमम 5 ईयर्स काम करना पड़ेगा। काफ़ी सारे नोटिफिकेशन भी दिए होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन और जुडिशियल जजमेंट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो आपके माइंडसेट के लिए है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर आप पंडित हो से फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी 5 साल से ज़्यादा अगर वो जॉब कर रहा है, वहाँ पे केस है जगन्नाथ मंदिर टेम्पल का कि वहाँ पे अगर कोई पंडित है उसने 5 साल से ज़्यादा काम किया तो उसको भी मिलेगा। मीन दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू टेम्पल ऑल्सो, दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। लेकिन वहाँ पे केस है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अगर आप मेंबर हो तो बार एसोसिएशन में क्या होता है कि हर एक एडवोकेट 1,000-2,000 देता है पूरे साल के, और आप वहाँ पे मेंबर बन जाते हो। अगर आप वहाँ पे मेंबर बन गए उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो 50 साल के बाद या 40 साल के बाद आप उसमें से निकलोगे तो वो आपको ग्रेजुटी देंगे। वो 1,000 छोटे बड़े इवेंट करने के लिए रखते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिसिंग है। इसलिए अगर आप बार एसोसिएशन की बात करते हैं तो फिर वो इस पर्टिकुलर एक्ट में नहीं आता। तो ये था हमारा बेसिक पेज 1 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972।